बहुत ही फेमस अस्पताल था। वहाँ अनामिका हार्ट स्पेशलिस्ट थी। बहुत ही कम कंसल्टेशन फीस लेकर वो सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान कर रही थी। जो कोई दिल की समस्या लेकर उसके पास आए वो मुस्कुराहट के साथ स्वागत करती थी, बिल्कुल अपने परिवार के सदस्य की तरह, और इस वजह से उसने अच्छा नाम भी कमाया। उस दिन भी मुस्कुराहट के साथ वो अपने वार्ड के मरीजों की जांच कर रही थी। तभी आकाश नाम के एक पेशेंट के पास वो आती है। हेलो आकाश, कैसा महसूस कर रहे हो? मैं ठीक हूँ मैडम, आपके ट्रीटमेंट और स्नेह की वजह से तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो रहा हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे इस तरह मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ। ठीक है आकाश, तुम अच्छे से बात कर रहे हो, फिर कल मैं तुम्हें घर भेज दूंगी। हाँ मैडम, मुझे अब घर जाना होगा, दोस्तों के साथ खेलना भी होगा, 10 दिनों से मैं इसी अस्पताल में बैठा हूँ। ठीक है आकाश, कल मैं तुम्हें घर भेज दूंगी, अपने दोस्तों के साथ तुम खेलना, और हाँ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना। इस तरह अनामिका अपने वार्ड के सारे पेशेंट्स के साथ मुस्कुराते हुए बात करती है और उनकी जांच करती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन अनामिका अस्पताल से घर लौटती है। सासुमा उसके लिए एक गर्मा गर्म कड़क चाय बना के देती है और जाके सोफे पे बैठ जाती है। अनामिका चाय पीते पीते विश्राम करती है और टीवी देखने लगती है। टीवी पे जयत्रा न्यूज आ रही थी। दिन ब दिन हार्ट की समस्या बढ़ती जा रही है, कई लोग इससे जान भी गंवा रहे हैं। बड़े और छोटे में अब कोई फर्क नहीं रहा, अचानक से गिर जा रहे हैं और उनकी जान चली जा रही है, परिवार वाले रो रहे हैं। हाल के दिनों में दिल की समस्या की दर भी भारी वृद्धि हुई है, हार्ट अटैक होने वाले को जीने का चांस भी कम होता जा रहा है, ऐसा डॉक्टर का कहना है। न्यूज रीडर की बातें सुन के अनामिका जल्दी से टीवी ऑफ कर देती है। ये देख कर शारदा कहती है, अनामिका तुम्हारे साथ साथ बहुत लोग दिल के डॉक्टर है ना, पर बहुत से लोग छोटे बड़े के अंतर के बिना ही इस दिल की बीमारी से मर रहे हैं, फिर तुम्हारे होने का क्या फायदा? दिल की समस्या वाले को तुम बचा नहीं पा रहे हो और ऐसा कुछ कर भी नहीं पा रहे हो जिससे बीमारी ना हो। शारदा की ऐसी बातें सुनकर अनामिका बिना जवाब दिए हुए हॉल से सीधा लॉन में आ जाती है। शाम का वक्त, ठंडी ठंडी हवा, अनामिका वहीं टहलने लगी और सासुमा ने जो बातें कही उस बारे में अनामिका सोचने लगी। सासुमा ने सही कहा, मेरे तरह कई हार्ट स्पेशलिस्ट होने के बावजूद क्या फायदा? दिल की समस्या से जूझने वालों को हम बचा नहीं पा रहे हैं, और इन दिनों हार्ट अटैक से मरने वाले की संख्या में भी बेतहाशा वृद्धि हो रही है। मुझे कुछ करना होगा, पर क्या करूं? इसी दौरान अनामिका को एक सुझाव आया। वो एक कैंपेन लगाएगी और लोगों को हृदय रोग के बारे में जानकारी देगी। उसे लगा ऐसा करना बेहतर होगा। हाँ ये बेहतर होगा, मैं गाँव में एक एम्बुलेंस घुमाऊंगी और एक जगह पे स्वास्थ्य शिविर लगाऊंगी। वहाँ मैं लोगों को हृदय रोग के विशेषताओं के बारे में बताऊंगी, कैसे उससे बचना है, सावधानियाँ, इसके बारे में उन्हें समझाऊंगी। इस तरह सोचती है और अगले दिन ही डॉक्टर भूषण से जाके वो मिलती है। डॉक्टर अनामिका, ये सपना है या सच? जब भी मैंने तुम्हें फोन किया तुमने कहा कि तुम बिजी हो, कभी बाद में मिल लेंगे। जब भी मैंने कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है तो तुमने कहा फिर कभी बात कर लेंगे और तुम चली गई, और आज तुम मेरे सामने बैठी हो। हाँ डॉक्टर, मैं ही हूँ। आए दिन आजकल छोटे बड़े इसका फर्क ना करते हुए दिल की बीमारी से लोग मर रहे हैं। हाँ नामिका, ये तो सच है, मैं आए दिन टीवी पे देख रहा हूँ, देख के बहुत दुखी होता हूँ, पर हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं गांव-गांव में जाके, हर दिन हम कहीं ना कहीं हेल्थ कैंप लगाएंगे, उनकी हृदय रोग से जुड़ी समस्या को हम लिख लेंगे, कैसे उससे बचना है, उन्हें किस तरह की प्रिकॉशन लेनी है, हम उन्हें सारी बात समझाएंगे। देखो तुमने जो कहा जैसे करना चाहती हो उसके लिए मेरा पूरा सपोर्ट है, तुम्हारा नाम अच्छा होगा तो उसके साथ साथ हमारा अस्पताल का नाम भी अच्छा होगा। जिस तरह की मदद चाहिए तुम ले सकती हो और जैसे तुम्हें करना है तुम कर सकती हो। थैंक यू सर। ऐसा कहकर अस्पताल का एम्बुलेंस लेके वो अपना घर चली जाती है। वहाँ सासुमा अपने हाथों में दो बैग लेकर तैयार थी। दोनों जाके एम्बुलेंस पे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक गाँव में पहुँच जाती है। वहाँ जाकर गाँव की मुखिया से मिलती है और बताती है वहाँ आने का प्रमुख कारण क्या है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद दे, कल गांव वालों को बुलाऊंगा, आज आप लोग मेरे यहाँ रुक जाइए। फिर वो अपने नौकर से कहते हैं कि कल गांव में फ्री हार्ट चेकअप कैंप और जांच की जाएगी, ये बात वो गांव वालों को जाकर बता दे। फिर वो नौकर गांव में जाकर इस खबर को फैला देता है। अगले दिन सुबह सुबह पूरा गाँव उठ के पंचायत जी के यहाँ आ जाते हैं। पंचायत जी अनामिका के लिए टेबल कुर्सी का इंतजाम करते हैं। आप सभी का अभिनंदन, मेरा नाम अनामिका, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ, आज मैं यहाँ पे आप सभी का
फ्री में हार्ट चेकअप करूंगी। अगर आपको किसी तरह की समस्या हो तो हमें बताइए, मैं आपको दवाइयाँ लिख दूंगी। साथ ही मैं आप सभी को बताऊंगी कि दिल की समस्या से बचने के लिए आप सभी को किस तरह की सावधानियों को बरतनी होगी। एक एक करके आ जाइए। ऐसा कहकर वो जाके कुर्सी पे बैठ गई। फिर एक के बाद एक ग्रामवासी उसके पास आने लगे। अनामिका एक एक करके सभी की जांच करती है। इस तरह काफी समय निकल गया। सभी के चेक होने के बाद अनामिका कहती है, देखिए आज के समय में हृदय की समस्या वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और हृदय रोग होने के बाद जीने की संभावनाएं कम होती जा रही है। हृदय रोग होने के बहुत सारे कारण हैं। अगर आप लोग चाहते कि आपको हृदय रोग ना हो, इसीलिए मैं जो कहूंगी जैसा कहूंगी वैसा आपको करना होगा। आप बताओ बेटा, हम वैसा ही करेंगे। हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, उसके लिए हमें जो करना है करेंगे। मैं भी वही चाहती हूँ, इसीलिए हर किसी को हर दिन व्यायाम करना जरूरी है। अब से आप लोग न बीड़ी पियेंगे, न सिगरेट, न दारू, ऐसा तक कि खैनी भी नहीं। और उससे भी बड़ी बात, बात बात में परेशान मत होइएगा। जो लोग छोटी छोटी बातों के लिए परेशान हो जाते हैं, उन सभी के लिए हार्ट अटैक के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। इस तरह नामिका कहती है। उसकी बातें सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। तो अगर हमारा हार्ट हेल्दी है तो हम पूरी तरह से स्वस्थ है, हम सारा काम कर सकते हैं। इसीलिए हृदय का हमें अच्छे से ख्याल रखना होगा, और तभी हृदय अच्छे से काम करेगा जब हम एक्टिव रहेंगे, अच्छे से खाना खाएंगे, साग सब्जी, सूखे अंजीर, अंगूर, अनार के दाने, ये सारे तरह के फल हृदय रोग के लिए अमृत है अमृत। अनामिका की बातें सुनके सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाते हैं। इस तरह सभी को समझाने के बाद अनामिका दूसरे गांव की तरफ रवाना हो जाती है। तो आपने देखा ना अनामिका किस तरह से जनसेवा करती है। हम आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। नमस्ते। शारदा अपने गांव की बहू को अमेरिका भेज के बहुत खुश थी, और नई बहू श्रावणी करोड़ों रुपए लेकर घर आई, इस बात से वो और ज्यादा खुश थी। हॉल में रुपए से भरा सूटकेस को देखकर शारदा बहुत खुश हो रही थी। तभी प्रसाद वहां पर आते हैं। अरे शारदा, खाना खा लिया? अभी नहीं खाया जी, इन पैसों को देखकर ही मेरा पेट भर गया है। उसकी बातें सुन के प्रसाद आके सूटकेस को बंद कर देते हैं। फिर शारदा गुस्से से आंखें बड़ी बड़ी करके प्रसाद को देखने लगती है, जिससे प्रसाद तनिक भी नहीं डरते। एनाकोंडा हो क्या जो निगल लोगी, या फिर मैं पुलिस स्टेशन में फोन करके बताऊं कि हमारी गांव की बहू गायब है। प्रसाद की बातें सुन के तब जाके शारदा नॉर्मल होती है और मुस्कुराते हुए कहती है, कोई गुस्सा उस्सा नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सब्जी में तीखा नहीं, चावल ठीक से पका नहीं, ऐसा ही हुआ तो मैं कैसे खाऊंगा? अब ये भी बताना होगा कि अच्छे से खाने को मसल के तब जाके खाओ। हाँ ऐसी बात तो मैं लैंडलाइन के फोन के रिसीवर को उठाकर 100 नंबर डायल कर सकता हूँ, करूँ क्या? नहीं नहीं, मैं देखती हूँ, आप जाइए। ऐसा कहकर वो प्रसाद को लेकर डाइनिंग टेबल के पास आती है। वहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठ के वो खाना लेके एक प्लेट में खा के देखती है। बिल्कुल वैसा ही था जैसा प्रसाद ने कहा था, सब्जी में मिर्च नहीं, दाल में नमक नहीं। फिर वो अमीर बहुरानी को बुलाती है। वो पूछती है कि दाल चावल सब्जी में नमक मिर्च ये सब क्यों नहीं है। प्रसाद वीडियो बनाने लगते हैं। शारदा की बातें सुन के श्रावणी को बड़ा गुस्सा आता है। वो किचन में जाती है, मिर्च पाउडर, नमक का डब्बा लेकर सीधा डाइनिंग टेबल पे शारदा के पास आती है। सासुमा खोलिए अपना मुंह। उसके कहने पे शारदा अपना मुंह खोलती है। फिर देर ना करते हुए श्रावणी मिर्च पाउडर और नमक उनके मुंह में डाल देती है। शारदा के मुंह में ढेर सारा मिर्च पाउडर और नमक जाने की वजह से बिल्कुल बिन पानी के मछली की तरह तड़पने लगी। हाय भगवान, तीखा नमक, पानी। शारदा जब टेबल से पानी का बोतल लेने ही जा रही थी, श्रावणी बोतल लेके वहाँ से चली जाती है। शारदा परेशान होके अब रोने लगती है। अभी अगर गांव की बहू होती तुम्हारी ऐसी परिस्थिति होती क्या? ऐसा कहकर हंसते हुए प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो वीडियो अमेरिका में रहने वाली अवंतिका को प्रसाद भेज देते हैं। अवंतिका बहुत हंसती है और फिर वो वीडियो वो अनामिका को दिखाती है। वीडियो देखकर बेचारी सासू माँ कहकर वो रोने लगती है। अवंतिका समझ नहीं पाती है कि वो अनामिका को कैसे समझाए। एक दिन प्रसाद शारदा को बुलाकर बहुत डांटते हैं, क्योंकि घर के मंदिर में ना दिए जल रहे थे और ना ही
कपूर जल रहे थे। उन्होंने शारदा से कहा अमीर बहुरानी से करवाने, नहीं तो वो जाके गांव की बहू के बारे में पुलिस को बता देंगे। अब चूंकि कोई चारा नहीं था, इसीलिए शारदा अमीर बहुरानी के पास जाकर उसे पूजा करने को कहती है। श्रावणी जाके दिया जलाती है और नारियल लाके शारदा के सर पे फोड़ती है। शारदा के एक हाथ में वो आरती के लिए कपूर जलाती है और दूसरे हाथ में वो जलाकर अगरबत्ती रख देती है। शारदा तकलीफ सहन नहीं कर पाती। प्रसाद ये सब कुछ रिकॉर्ड करके अवंतिका को फिर भेज देते हैं। आहा शारदा, कितनी तकलीफ हो रही है। अगर गांव की बहू अभी होती तो ऐसा होता क्या? तुम जो कहती थी वही वो करती थी। बेचारी पता नहीं कहाँ है। ऐसी कठोर बातें कहकर प्रसाद वहाँ से चले गए। शारदा रोने लगी। वहाँ अमेरिका में रहने वाली अवंतिका को अनामिका कुछ ऐसा कहती है, मैडम एक बार मुझे उनसे बात करनी है, फोन लगा कर दीजिए ना। ठीक है अनामिका, एक मिनट रुको। ऐसा कहकर इंडिया में रहने वाले प्रसाद को वो फोन लगाती है। सुबह सुबह प्रसाद का फोन बजता है, उठाकर देखते हैं अवंतिका कॉलिंग। वो पहले देख लेते हैं कहीं शारदा आसपास तो नहीं है, फिर जाके वो फोन उठाते हैं। बताओ अवंतिका। अंकल, अनामिका अपने पति रमेश से बात करना चाहती है, आप ही उससे बात कीजिए। ऐसा कहकर अवंतिका अनामिका को फोन देती है। अनामिका खुशी के मारे रोने लगती है। पिताजी मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, एक बार मुझे उनसे बात करने दीजिए ना। नहीं बहू, अभी तो उन्हें एहसास हो ही रहा है, अभी और सावधान रहना होगा, मैं बाद में फोन करता हूँ। ऐसा कहते हुए वो शारदा को ढूंढते हुए उसके पास जाते हैं। शारदा बाहर पानी छिड़क रही थी। प्रसाद शारदा के पास जाते हैं। शारदा प्रसाद को देखकर बिना कुछ कहे बिल्कुल पुतले की तरह खड़ी रहती है। जब गांव की बहू थी तुम 10 बजे तक सोती थी, बिस्तर पे सब कुछ ला के देने को कहती थी, और अब तुम पानी छिड़क रही हो, बहू के पैर दबा रही हो, अपना हाथ जला रही हो, मिर्च नमक खा रही हो, ये सब क्या है शारदा? शारदा रोती है पर कुछ कहती नहीं। प्रसाद समझ जाते हैं। वो शारदा से कहते हैं कि श्रावणी को बुला के वो कहे घर का सारा कामकाज करे, नहीं तो वो पुलिस के पास जाके गांव की बहू की शिकायत कर देंगे। अब चूंकि कोई उपाय नहीं था, इसलिए शारदा श्रावणी और रमेश को नींद से जगाती है। वो श्रावणी को बगान में ले आती है। प्रसाद फिर रिकॉर्ड करने लगते हैं। फिर उसे बताती है उसे क्या क्या काम करना है। पास में रखा हुआ बाल्टी भर पानी श्रावणी उठाकर शारदा पे ही उड़ेल देती है। फिर रंगोली का डब्बा उठाकर पूरा रंगोली वो शारदा के मुंह पे फेंक देती है। शारदा का मुंह पूरा सफेद हो जाता है। श्रावणी गुस्से से वहां से चली जाती है। मेरी गांव की बहू रानी तुम कहाँ हो? बेचारी सासू माँ यहाँ पे अमीर बहू रानी के साथ कैसे संघर्ष कर रही है। ऐसा कहकर वो मुस्कुराते हैं और वो वीडियो वो अवंतिका को भेज देते हैं। ऐसे कुछ दिन निकल गए। अब शारदा और रमेश अमीर बहू रानी श्रावणी से नफरत करने लगे। एक दिन हॉल में बैठी शारदा को रमेश दुखी होकर कहने लगता है कि कैसे श्रावणी उससे अपना पैर दबवाती है। प्रसाद वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तभी वहाँ पे श्रावणी आती है और रमेश के दोनों गालों पे कस के थप्पड़ लगाती है, क्योंकि वो अपनी बेडरूम की बातें कह रहा था अपनी माँ से। ये देखकर गुस्से से शारदा भी श्रावणी को थप्पड़ लगा देती है। हम पैसों के लालची हो गए थे, इसलिए मैंने और मेरे बेटे ने सोने जैसी दिल वाली बहू अनामिका को हटा दिया। हमें तुम नहीं चाहिए, मैं और मेरा बेटा जाके हमारी पुरानी बहू को वापस ले आएंगे। ये सुनते ही श्रावणी फोन लगा के माँ पिताजी को पूरी कहानी बताती है। आधे घंटे के अंदर पुलिस लेकर वो शारदा के घर पहुँच जाते हैं। इंस्पेक्टर को देखकर शारदा बहुत डर जाती है। प्रसाद ने जो वीडियो बनाया था उससे श्रावणी की सारी हरकतें साबित हो गई। इंस्पेक्टर श्रावणी को चेतावनी देते हैं और शारदा के कंप्लेन से वो श्रावणी को अरेस्ट कर लेते हैं। शारदा और रमेश को अपनी गलती का एहसास होता है। अवंतिका के पास रहने वाली अनामिका को वो घर वापस ले आते हैं और उसके बाद सभी मिलकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।